हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय को लेकर के, जो विषय आधारित है रजनी शर्मा की याचिका पे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये विषय है आधारित हमारा रजनी शर्मा की याचिका पे। इस याचिका में क्या हुआ, क्या तथ्य थे, आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं। रजनी शर्मा के पति हरिओम शर्मा को नवंबर 2018 में मॉर्निंग वॉक के दौरान कार्डिक अरेस्ट हुआ, जिसके कारण वह बेहोश हो गए और निरंतर अभी तक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें सपोर्टिव सिस्टम के माध्यम से स्वस्थ करने का तथा जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में परिवार की पूरी जिम्मेदारी रजनी शर्मा के ऊपर आ गई। परिवार में उनके नाबालिग बच्चे तथा उनकी एक सासू माँ है और सभी जिम्मेदारियों का वहन रजनी शर्मा को ही करना है। रजनी शर्मा को पैसों की आवश्यकता होने पर उन्होंने बैंक से संपर्क किया तथा पति के अकाउंट से पैसों को निकालने का प्रयास किया, परंतु बैंक के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आप सर्वप्रथम न्यायालय के माध्यम से यह सिद्ध करें कि आप उनकी ही संरक्षक हैं, आप हरिओम शर्मा जी की संरक्षक हैं, इस बात को पहले आप सिद्ध करिए। उसके बाद रजनी शर्मा ने क्या किया कि वह न्यायालय की शरण में गई। न्यायालय की शरण में जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, सभी तथ्यों को बताया। न्यायालय ने भी गंभीरतापूर्वक इस विषय को सुना तथा सभी तथ्यों को सुनने और समझने के पश्चात अपना निर्णय दिया। आइए सर्वप्रथम पहले हम उस निर्णय के बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। संरक्षकता का उपयोग उस व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाए जो बेहोशी की स्थिति में है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो बेहोशी की स्थिति में निरंतर बना हुआ है, संरक्षकता की आवश्यक है, उसके लिए संरक्षक की आवश्यकता है, उसके लिए कोई संरक्षक होना चाहिए। और वो संरक्षक कैसा होना चाहिए, जो उसके लाभ के लिए कार्य करे। महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि हरिओम शर्मा के संरक्षक के रूप में याचिकाकर्ता यानी उनकी पत्नी के कामकाज की निगरानी करे वो, और हर 3 महीने में कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये रिपोर्ट निरंतर 2 वर्षों तक उनके समक्ष उन्हें पेश करनी होगी। अब आइए हम इस निर्णय के अंतर्गत जो मूल भावना है उसे समझने का प्रयास करते हैं। कोर्ट ने ये बताने का प्रयास किया, इस चीज़ को निर्धारित किया कि अगर पति बेहोशी की स्थिति में है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त संरक्षक और कोई नहीं, उसकी पत्नी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। अगर आपको ये विषय पसंद आया, आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को औरों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य मुझ तक पहुँचाइए। मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।